वही राजधानी देहरादून में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की मोदी को तीसरी बार एनडीए का नेता चुने जाने पर प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बधाई देते हुए कहा कि मोदी जी ऐसे पहले नेता हैं जो 1962 के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से भी लगातार तीसरी सभी पांचों सीट पर भाजपा जीती है, तो ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि पूर्व की भांति इस बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक या दो सांसदों को मंत्री बनाकर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका जरूर मिलेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज हमारे माननीय मोदी जी को एनडीए का नेता चुना जा रहा है, उनके लिए बधाई है उनको। और 1962 के बाद पहली बार मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात और हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे उत्तराखंड से तीसरी बार हम लगातार पांचों सीटें, यानी पांच ही सीटें हैं, पांचों सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी की झोली में यानी मोदी जी के लिए समर्पित की है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहां से, चूंकि हर बार ही उत्तराखंड से कोई ना कोई प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा है, उम्मीद तो हम यहां से भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से विषय स्पष्ट होगा, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे यहां से किसी एक, या हम तो कहें दो मंत्रियों को मिलना चाहिए, नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति को तो मंत्री पद मिलना चाहिए।